भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार SNS न्यूज चैनल में मैं सिनी के साथ आप सबका स्वागत है। आइए रुक करते महाराष्ट्र की खास खबरों की ओर। भंडारा शहर के सरकार नगर निवासी जाने माने वाले वकील ऋषिकेश अनंत गुप्ते 45 वर्षीय ने अपने आवास पर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। जैसे ही परिवार के सदस्यों को इस बारे में पता चला तो पुलिस को सूचित किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल भेजा गया। आगे की जांच और कार्रवाई भंडारा पुलिस द्वारा की जाएगी। लोहा लोहे को काटता है, यह सिर्फ वे ही नहीं जानते हैं, हम भी जानते हैं। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि जब ईडी सीबीआई हमारे हाथ में आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। पारिवारिक विवाद पर देवेंद्र फडणवीस के बयान का संजय राउत ने सीधे तौर पर जवाब दिया। नागपुर समेत विदर्भ के विभिन्न जिलों में रविवार दोपहर के बाद जोरदार तूफानी बारिश हुई। वही बात करें तो रात 8 बजे के बाद भंडारा शहर में बारिश शुरू हो गई। करीब 1 से 1.5 घंटे तक असामयिक बारिश हुई जिससे शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। यवतमाल भंडारा में भारी बारिश के कारण बची हुई गेहूं, संतरे और प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 18 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई हुई। अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि SBI को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस पर बैंक ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है। 12वीं फेल वाले IPS अधिकारी मनोज शर्मा का प्रमोशन हो गया है, अब वो महाराष्ट्र पुलिस में IG बन गए हैं। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी और अपने प्रशासकों का आभार जताया। मनोज कुमार शर्मा ने साल 2005 में UPSC की परीक्षा पास की थी और उसके बाद वो IPS अधिकारी बने थे। उन्हें SP के रूप में पहली पोस्टिंग मिली। मुंबई के कप्तान हार्दिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कहा, रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान है जो मुझे मदद करता है। इस टीम ने जो भी हासिल किया है वो उनके अंदर हासिल किया है, मैं सिर्फ आगे बढ़ाता हूँ। मैंने अपना पूरा करियर उनके अंदर खेला है और मैं जानता हूँ कि वह हमेशा मेरे कंधे पर हाथ रखेंगे। इसके अलावा हार्दिक ने कहा कि वह अपने और रोहित के बीच कुछ अजीब होने की उम्मीद नहीं कर रहे। भंडारा शहर के एक सरकारी BEd कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर द्वारा 17 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे के बीच कॉलेज की साथी महिला प्रोफेसर के साथ छेड़छाड़ करने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना की जानकारी कुटपीड़ित महिला प्रोफेसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस मामले में भंडारा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चुनावी बॉन्ड की सूची से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर BJP पर हमला बोला है। ठाकरे ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी रंगदाली वसूलने वाला गैंग है। उद्धव ठाकरे आज से हिंगोली के 2 दिवसीय दौरे पर है और वो अपनी पहली ही बैठक में उन्होंने BJP पर निशाना साधा। स्थानीय अपराध शाखा भंडारा की ओर से मोहाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गश्त के दौरान चंडेश्वरी माता मंदिर मोहाड़ी की ओर जाने वाली सड़क पर एक संदिग्ध दोपहिया वाहन देखा गया। जब दोपहिया वाहन चालक को रोकने का प्रयास किया तो दोपहिया चालक उसके हाथ में पकड़ा सफेद रंग का क्लच नीचे फेंक कर भाग गया। जांच करने पर बैग में कुल 12 किलोग्राम गांजा कीमत 1,22,450 रुपए का माल पाया गया। इस मामले में शिवाजी वार्ड मोहाड़ी के राजू पाटिल उम्र 35 वर्ष और उसके एक साथी के खिलाफ पुलिस स्टेशन मोहाड़ी में मामला दर्ज किया गया। पुणे जिले के इंदापुर में एक होटल में एक व्यक्ति की हत्या की ताजा घटना के बाद रविवार रात कुछ लुटेरे ने अरनगांव में एक सशस्त्र डकैती में एक बुजुर्ग दंपति पर हमला किया और उनसे सोने चांदी के गहने और नकदी लूट ली। सिरोही तालुका के लुटेरों की पिटाई से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई तथा एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस की मेगा रैली में रविवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने BJP पर जबरदस्त हमला बोला और लोकसभा चुनाव के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। सभी नेताओं के टारगेट पर EVM रही। रैली से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि आने वाले दिनों में विपक्ष के चुनाव प्रचार में EVM ही टारगेट पर रहेगी। अलायंस में शामिल पार्टियों के नेताओं ने EVM से वोटिंग प्रक्रिया का विरोध किया और ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो EVM से वोटिंग कभी नहीं होगी। महा विकास आघाड़ी पिछले कई दिनों से जगह आवंटन को लेकर चर्चा कर रही है। महा विकास आघाड़ी के नेताओं के बैठक सत्र जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि महा विकास आघाड़ी की सीट का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है। ऐसे में शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद और महा विकास आघाड़ी के प्रमुख नेता संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे हिंगोली दौरे से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीट बंटवारे की घोषणा करेंगे।
निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया। यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग की कोशिशों का हिस्सा है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ए शिलेदारो ने नाना पटोले के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। बीजेपी को भरोसा है कि मिशन 45 के तहत प्रचंड जीत के लिए उत्सुक क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगर बीजेपी उपयुक्त वही उम्मीदवार चुना जाएगा। लेकिन भंडारा गोंदिया संसदीय क्षेत्र में इच्छुक उम्मीदवारों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अब जीत का दावा कर रही बीजेपी को इस क्षेत्र में उम्मीदवार चुनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए अभी तक महागठबंधन का उम्मीदवार तय नहीं हो सका।